साल के बाद तो आप लोग करना ही करना जरूरी है, क्योंकि 30 साल के बाद आपके हड्डियों के अंदर कैल्शियम कम होता रहता है, वो कमी पूरी करने के लिए आपको मुद्गल की अभ्यास। जय दोस्तों, जय माँ कल, स्वागत है आपका पहलवानी वर्सेस बॉडी बिल्डिंग चैनल पर। दोस्तों, क्षत्रिय प्रणाम के अगले अभ्यास में आपका स्वागत है। आज अपन बच्चों के लिए क्या दंड बैठक जरूरी है और उनकी हाइट रुकती है नहीं रुकती इससे, और उनके अंदर किसी प्रकार का रुकावट तो नहीं उनकी उनकी हड्डियों के अंदर जो बढ़ोतरी होती कम एज में, जैसे 10 से 11 साल है, ऐसी छोटी उम्र में क्या वो लोग करना चाहिए, और बुजुर्ग और जो 30 साल के ऊपर है क्या वो इसे करना चाहिए, इसके बारे में आज आपको खुलासा देंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत में हम लेते हैं दो बच्चे जिनकी उम्र एक लगभग 11 साल है, और वो देखिए कितने आराम से बैठक मार रहे, मुद्गर घुमा रहे, समतोला मार रहे, और ये लोग कई दिन से प्रैक्टिस कर रहे, और इनकी हाइट और इनके बॉडी ग्रोथ बहुत जल्दी से तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। 2, 3, 4, 5, 6 गिनते जाओ। देखिए दोस्तों, ये लोगों की उम्र 11 साल है और इन्हों मिनिमम 300 बैठक मारते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको डेमो के लिए बस 100 बैठक मराने जा रहे हैं। हिंदुस्तानी अभ्यास में इसका यही फायदा है कि छोटे से छोटी एज में भी आप अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि डेमो हो गया, बैठक हो गया, इससे आपके बच्चों की हाइट रुकेंगी नहीं, इससे उनकी हाइट बढ़ेंगी, उनकी हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी आएंगी, जिससे कि एकदम तेजी से उनकी हाइट में बढ़ोतरी होगी। 100। बस करो दोस्तों। देखिए आपने, ये लोगों ने अभी 100 बैठक का अभ्यास किया है, उसके बाद करते हैं ये लोग, समतोला मुक्ति से अभ्यास, मुद्गर का अभ्यास। दोस्तों, मुद्गर ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके बच्चों की हाइट एकदम तेज़ी से बढ़ाएंगी, क्योंकि मुद्गर के अंदर 206 हड्डियों के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी गिरती। इनका स्टाइल अलग अलग रहता, मुद्गर का स्टाइल अलग, समतोला मुखी का स्टाइल अलग। और जो मेरे भाई मुझसे कई सारे सवाल करते हैं कि क्या हम 30 साल के बाद भी मुद्गर का एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो हाँ मेरे भाइयों, 30 साल के बाद तो आप लोग करना ही करना ज़रूरी है, क्योंकि 30 साल के बाद आपके हड्डियों के अंदर कैल्शियम कम होता रहता, वो कमी पूरी करने के लिए आपको मुद्गल की अभ्यास तो करना ही करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल।